हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैल्शियम से भरपूर फूड। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हड्डियों में कैल्शियम की कमी। मोस्टली लोगों में ये नहीं है कि सिर्फ एज्ड लोगों में, बल्कि कई बार यंग लोगों में भी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कारण से जब हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो घुटनों में दर्द, कभी कभी पैरों में दर्द हो जाता है। कभी बाय चांस कहीं से गिर जाए तो काफ़ी दिनों तक वो दर्द हमारे अंदर स्टेबल हो जाता है। हम इलाज कराते हैं लेकिन कुछ दर्द ये कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब फिर सर्दियाँ आती हैं तो वो दर्द वापस से ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कैल्शियम की कमी के कारण दांत गिरने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। ये सारी कैल्शियम की कमी के सबब हैं। हम मेडिसिन लेते हैं कैल्शियम की, कुछ समय के लिए हमारा बॉडी वो उसको रिकवर कर लेता है और कैल्शियम हमारी बॉडी में हो जाता है जितनी की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर हमारा फूड ये है कि हम कैल्शियम नहीं लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद फिर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए अगर हम रूटीन में ऐसे फूड को शामिल करें जो कैल्शियम से भरपूर हो, तो हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये आप भी मानते हो कि मेडिसिन के अगर गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम खाने के दौरान अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं तो हमें दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कैल्शियम की कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूध शरीर में कैल्शियम की कमी को कम करता है। रोज औसत एक गिलास दूध में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जो लोग रूटीन में एक गिलास दूध पीते हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। अगर कैल्शियम की कमी है तो आप आज से ही दूध पीना शुरू कर दें। अगर आप फैटी हैं और सोचते हैं कि दूध पीने से और फैटी हो जाएंगे, तो आप उसकी क्रीम निकाल लें, यानी बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें। जब वो क्रीम निकल जाएगी तो उस दूध को आप पिए। इससे आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती, लेकिन इसमें फैट नहीं होता, जिसके कारण आपको मोटे होने की टेंशन नहीं रहती। इसके अलावा चीज़, जिसे हम पनीर भी कह सकते हैं, इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इससे कैल्शियम की कमी दूर होती है। अगर आप इसका ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो बजाय पनीर की सब्जी खाने के आप पनीर को सैलेड के रूप में खाएं। अगर पनीर को सैलेड के रूप में खाएंगे तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप सब्जी के साथ खाएंगे, यानी सब्जी में यूज़ करेंगे, तो उसका बेनिफिट 50% ही बचता है। इसके बाद आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम की पूर्ति के लिए गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि गुड़ में कैल्शियम होता है तो इसे ज़्यादा खाना है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसे आप सर्दियों में ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको इसकी कम ही मात्रा लेनी है। आप चाहें तो रोजाना रोटी खाने या रात में या दिन में खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो दूध के अंदर चीनी की जगह गुड़ मिलाकर भी पी सकते हैं। इसके बाद बीन्स तो पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम के अलावा प्रोटीन, फॉस्फोरस और अन्य जरूरत के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें आप बॉईल करके सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही हल्का बॉईल करके स्टीम के थ्रू आप खा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं उनको बहुत ही अच्छा सोर्स मिलता है, क्योंकि मछली के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं वो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होती है, वसा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप इसके अंदर का कैल्शियम लेने के लिए, हमें कैल्शियम के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना है और हम चाहते हैं इसे खाने से हम मोटे ना हो, तो आप बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू को एक सिंपल पैन में डालकर उसे ना ही तो नमक डालना है ना ही घी, फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म करके वो ड्राई फ्रूट्स को डालकर 3 से 4 मिनट के लिए अगर आप सेम फ्लेम पे रखेंगे तो हल्के हल्के ब्राउन से हो जाएंगे। ऐसा ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी इन ड्राई फ्रूट्स को खाने से। क्योंकि ये जो बर्न आपने किया है, ये आपने जो रोस्ट किया है, ये सिंपल रोस्ट है। ऐसे खाने से
हमारे अंदर कैल्शियम तो बढ़ता है लेकिन फैट नहीं बढ़ता। इसे आप प्रत्येक चीज़ों को जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ते, इन सब को 10-10 की मात्रा में रोजाना खा सकते हैं। 10 काजू, 10 बादाम, इससे ज़्यादा लेने से हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है और हमारी बॉडी इतनी चीज़ों को एक साथ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कम में ही आपको लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप कोशिश करें कि एक साथ 10 ना लेके दिन में 4 बार या 5 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल से भी बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। 100 ग्राम हरे सब्जी में 100 से लेकर 190 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा सोयाबीन्स यूज कर सकते हैं, इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा ये फाइबर, आयरन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आप रोजाना जो सब्जी बनाते हैं घर पे, उसमें लहसुन और प्याज का यूज़ जरूर करें। लहसुन और प्याज का यूज़ करने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और कैल्शियम की रिकवरी होती रहती है। हाँ, लेकिन गर्मियों में आपको इसकी कम मात्रा लेनी है, लेकिन सर्दियों में आप इसकी ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं, सिर्फ लहसुन को, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है। संतरे के जूस में भी विटामिन डी पाया जाता है। सुबह नाश्ते में रोज एक गिलास संतरे का जूस पीने से आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आसानी से विटामिन डी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नाश्ते में अंडा शामिल करें। अंडे की जर्दी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है जो कैल्शियम की पूर्ति करता है। मशरूम में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसे अपने भोजन में शामिल कर कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा धूम्रपान ना करें और चाय और कॉफ़ी कम पिए और कम से कम 10 मिनट की धूप जरूर लें, जो आपकी कैल्शियम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। हमने बचपन में पढ़ा ही है कि धूप लेने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।